आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, दिन सबके आते हैं और चले भी जाते हैं। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो पहले रुख छत्तीसगढ़ की ओर करते हैं, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी अपने चरम पर है। चुनाव के नामांकन के लिए कल आखिरी दिन है, लेकिन टिकट वितरण के बाद संभावित असंतोष को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस में भारी माथापच्ची चल रही है। जिन निकायों में टिकट वितरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां से असंतोष के स्वर उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी बीते 3-4 दिन से लगातार बैठकें कर टिकट फाइनल करने की कवायद में जुटी है, लेकिन ज्यादा जगहों पर अंतर्द्वंद के चलते टिकट वितरण का काम पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में आज जनता मांगे जवाब में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय को लेकर चल रही गहमागहमी पर चर्चा होगी और जानेंगे कि शहर सरकार के चुनाव में किस पार्टी का दबदबा रहे कि सरकार में एक्शन की भी होगी। जी हां, राज्य की कमलनाथ सरकार इस वक्त एक्शन मोड में है। मिलावटखोरी के बाद अब माफिया पर मार हो रही है। इंदौर में जीतू सोनी ने अवैध कारोबार के जरिए जो विशाल साम्राज्य बनाया था, उस पर अब बुलडोजर चल चुका है। बंगले और दफ्तरों में छापेमारी हो रही है। सोने चांदी की मूर्तियों के साथ हार्ड डिस्क, स्पाई कैमरे, पिस्टल की गोलियां जैसी चीजें बरामद हो रही हैं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जो माफिया हैं, अब उनमें भी हड़कंप की स्थिति है कि न जाने कब उनकी बारी आ जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इस तरह की कार्रवाई इंदौर के अलावा अन्य जगहों पर भी करेगी, या फिर यह कार्रवाई यहीं तक सिमट कर रह जाएगी। और उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीतू सोनी जैसे लोगों का अवैध कारोबार कैसे फलता फूलता है, ये किसकी सरपरस्ती में सारे नियम कायदों को धता बताते हुए कैसे आगे बढ़ जाते हैं। आज इन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान की, क्योंकि यहां टिकट पर टेंशन है। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका, 103 नगर पंचायत को मिलाकर कुल 151 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। प्रदेश में कुल 5,406 मतदान केंद्रों पर 40 लाख के करीब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं मतदान केंद्रों पर 21,000 मतदान कर्मी तैनात रहेंगे। प्रदेश में कुल 2,840 वार्डो में मतदाता पार्षद चुनेंगे। आज की बात दिलचस्प बात यह है कि महापौर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत हो रहा है। ऐसे में तमाम दिग्गज भी मैदान में उतरे हैं, जिन पर न सिर्फ खुद की जीत का परचम लहराने की चुनौती होगी, बल्कि अपने समर्थक उम्मीदवारों को जीत दिलाने का भी जिम्मा होगा। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि टिकट वितरण के बाद वो रूठों को किस तरह मनाएगी। टिकट न मिलने पर गुस्साए दावेदारों को किस पार्टी का जो गणित है वो बिगड़ेगा और किसका संभलेगा, इस पर चर्चा का दौर शुरू करें। चलिए उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के रट से पहले हो हल्ला। चुनाव लड़ने के लिए दावेदार लगा रहे हैं पूरा जोर। टिकट न मिलने पर सुसाइड तक की दी जा रही है धमकी। बड़ा सवाल, क्या प्रमुख पार्टियों को परेशानी में डालेगी टिकट पर टेंशन। छत्तीसगढ़ में 21 दिसंबर को होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब हंगामेदार सियासत देखने को मिल रही है। 6 दिसंबर यानी कि कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, और इसके पहले दावेदार अपना टिकट हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 4 दिसंबर तक ज्यादातर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि विवाद वाली जगहों पर दोनों प्रमुख दल अभी भी मशक्कत कर रहे हैं। इधर जहां टिकट वितरण हो चुका है या होने को है, वहां से विरोध के सुर भी लगातार सामने आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पार्षद भैया प्रमोद साहू जी को ही टिकट मिले और वही पार्षद के रूप में। कोई पार्टी से बगावत का ऐलान कर रहा है तो कोई दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने की जुगत में लगा है। हम जितने सक्रिय सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वार्डवासी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सभी बहिष्कार करते हैं, सभी त्याग करते हैं। हालांकि टिकट के तमाम दावेदारों में असंतोष को खत्म करने के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। कोरिया से पारी पारी हम लोग इसका स्कूटनी कर रहे हैं,
कहीं पर भी भगवत नहीं हो रहा है, सब सर्व समिति से टिकट बट रहा है। अनेकानेक मुद्दा है, वो सबको लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता हम लोग की तरफ देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। अब की बार महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने जा रहा है, ऐसे में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने के लिए वार्ड चुनाव में कूद पड़े हैं। लिहाजा अपने वार्ड में जीतने के साथ ही इनके सामने अपने समर्थक उम्मीदवारों को जिताने की भी बड़ी चुनौती है, ताकि शहर सरकार में उनका वर्चस्व हो सके। 21 दिसंबर को मतदान के बाद 24 दिसंबर को मतपेटियों से निकलने वाले मतपत्रों की गिनती होगी, तो किस पार्टी के दावे सत्य साबित होंगे और किसे निराशा हाथ लगेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो टिकट पर टेंशन, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ चुकी है कांग्रेस प्रवक्ता है किरणमयी नायक जी। किरणमयी जी आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता जी, गुप्ता जी आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी जुड़े हुए हैं, रवि जी आपका बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर चले अग्निहोत्री, उससे पहले आपके पास आते हैं, जो विधानसभा चुनाव था कांग्रेस ने उसको एक तरफा अपनी ओर लिया, लेकिन अब जो निकाय जो शहर की सरकार चुनी आनी है बननी है, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो विधानसभा में एक तरफा जो उसने कब्जा किया, निकाय चुनाव भी जो है उसी अंदाज में उसके पक्ष में आएगा, या फिर बीजेपी इस बार जोर लगाएगी, किसके लिए जो है ये चुनाव आसान और किसके लिए मुश्किल रहने वाला है, संक्षिप्त में जाना चाहेंगे आपसे। देखिए शोभित, दरअसल ये बात तो बाद में आएगी कि नगरी सरकार में जो है किसका दबदबा कायम होगा, ये बात तो बाद की है। बाद वह इसलिए कि जिस तरह से टिकट को लेकर के दोनों ही दलों में आपसी खींचतान चल रही है, यहाँ तक कि कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने सुसाइड तक की धमकी दी है यदि उनको टिकट नहीं मिली, तो ये एक खतरनाक स्थिति है शहर सरकार के लिए छत्तीसगढ़ में विशेषकर, क्योंकि यह एक लिटमस टेस्ट भी है भूपेश बघेल जी के लिए, जिनके नेतृत्व में विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है कांग्रेस ने किया और लोकसभा उसके दो उपचुनाव भी हुए, वो भी जीते। उसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी लगभग मतभेदों से तो बेहतर ही प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है। लेकिन शहर सरकार की जहां तक बात आ रही है, तो जिस तरह आखिरी समय देखिए, कल नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक पूरी तरह टिकट वितरण का फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो इस खींचतान की स्थिति में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की स्थितियां टिकट वितरण को लेकर के बहुत तरातनी की चल रही हैं। और ये पहली बार अब नए प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव होना है महापौर का, जो पार्षद चुने जाएंगे वो अपने दल का नेता चुनेंगे जो महापौर होगा, तो यह भी एक टेंशन उन उम्मीदवारों के लिए है जो महापौर बनना चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो चुन करके पार्षद आए और उनको महापौर बनाए, यह भी एक देखने वाली बात है जिसको लेकर के वहाँ बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में टेंशन है। लेकिन देखना है यह है कि कल आखिरी समय गुजरने से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार फाइनल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह भी एक देखने वाली बात होगी। उसके बाद चुनाव जब होगा, 151 नगरी निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है, तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी वहां पर बढ़त बनेगी और किसको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए किरणमयी जी और केदारनाथ जी से सवाल करूं, उससे पहले भोई जी से एक मेरा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव जो शहर की सरकार है दोनों अलग है, लोकसभा चुनाव का अपना अलग लेवल होता है, विधानसभा चुनाव का अपना अलग लेवल होता है, जो शहर की सरकार उसका अपना अलग लेवल होता है, तो इसमें जो है टिकट को लेकर इतनी भारी टेंशन है वो दोनों दलों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, और किस तरह से जो रूट है टिकट वितरण के बाद, जहां पे टिकट वितरण नहीं हुआ है, कल नामांकन की आखिरी तारीख है, किस तरह से क्या कुछ गहमागहमी है, क्या कहां कंफ्यूजन है, किस तरह से रूटों को मनाने का दौर चल रहा है, किस तरह से लोगों को समझाने का दौर चल रहा है कि टिकट नहीं मिला तो फिर आगे किस तरह से क्या स्थिति है, भोई जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए टिकट वितरण का जहां तक सवाल है, कल नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन नीचे लेवल का चुनाव है, शहर का चुनाव है, वार्ड लेवल का चुनाव है, इसमें लोगों के कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, और खासतौर से कांग्रेस में जो सत्ता में आई है 15 साल बाद, तो उसके कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और लग रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम इस बार
अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे, इसलिए उनमें ज्यादा टिकट को लेकर मारामारी है। बीजेपी में भी मारामारी है टिकट में, लेकिन कांग्रेस में कुछ पर जी लगता है वहां से संपर्क टूट गया नूत्री जी, टिकट मिले और फिर चुनाव लड़े। पर ये भी है टिकट नहीं मिलने के बाद सब मिलके काम भी करेंगे, और ये कहा जा रहा है आज देर रात तक किसी तरह से टिकट फाइनल हो जाएगा जी। और कल नामांकन में जो दावेदार होंगे वो देंगे। चलिए सवाल ये है कि जी जिस तरह से यहाँ माहौल है नगरीय निकाय चुनाव को, ये भूपेश बघेल के लिए भी बड़ी परीक्षा है, और जो दो चुनाव वो जीत के आए हैं उपचुनाव में उन्होंने यहाँ पे अच्छे मार्जिन से यहाँ जीते हैं, तो यदि शहर चुनाव में अच्छे रिजल्ट जी। ठीक है अनुरोध जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो ठीक है कल नामांकन का आखिरी दिन है और जो लास्ट मोड में है, तो कहाँ पर क्या उलझन है, कौन से जो ऐसे नेता है जो उलझन में डाल रहे हैं दोनों पार्टियों को, क्योंकि अब सिर्फ मेरे ख्याल से लास्ट की यही जो एक दो घंटे हैं और इन्हीं एक दो घंटों में उनको बस ऐलान करना होगा, नाम फाइनल करने होंगे, तो इसके बाद जो टिकट पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो अभी बीच में जो जहां पे टिकट वितरण हो चुका है उसके बाद बगावत के सुर उठे हैं, खुदकुशी तक की धमकी दी गई है, वही अब जब पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद की जो स्थिति होगी, आप जो रण है जो चुनावी निकाय का चुनावी रण है वहां तक आप बाद में पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जो अंदरूनी जो कलह मचेगी उससे किस तरह से दोनों पार्टियां उभरेंगी, क्योंकि बीजेपी में भी जो है बगावत के सुर उठ रहे हैं, कांग्रेस में भी उठ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से फाइनल जब टिकट हो जाएंगे तो उसके बाद किस तरह से जो स्थिति होगी उससे दोनों पार्टियां किस तरह से निपटेंगी और कितना मुश्किल होगा दोनों पार्टियों के लिए। देखिए नगरीय निकाय के जो चुनाव है ये राजनीति का पहला पायदान है, तो जो पहले पायदान पर ऊपर चढ़ना चाहते हैं, जो अपनी आकांक्षाएं राजनीतिक आकांक्षाएं आगे बढ़ाना चाहते हैं, विधानसभा लोकसभा और मंत्रिमंडल और यहाँ तक जो अपनी आकांक्षाएं राजनीतिक आकांक्षाएं पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए पहला पायदान है नगरीय निकाय का चुनाव। अनुत्र जी हमारे किरण मई भी जुड़ गए हैं और केवल गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। किरण मई जी आपके पास आना चाहूंगा कि टिकट अब तक फाइनल नहीं हुए हैं, पूरी तरह से टिकट जो वितरण की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकी, कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है अभी? देखिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने सारे नामों को लगभग फाइनलाइजेशन कर लिया है जी। और मेरे ख्याल से एक आध घंटे में सारे से मतलब जो निकाय बचे हुए हैं खासतौर से रायपुर का, ये सारे निकायों के घोषणा भी हो जाएगी, और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल आज सुबह 3 बजे तक राजीव भवन में बैठक ली है और सभी नगरी निकायों पे, नगर निगमों पे, नगर पंचायतों पे, नगर पालिकाओं पे उन्होंने एक एक टिकट पर भी मंथन किया है जी। जो सर्वे रिपोर्ट थी उनके आधार पर भी किया है, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ बूथ लेवल से जो नाम मंगाए गए थे उसके कारण हमारे यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत ज्यादा विरोध या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए इक्का दुक्का तो विरोध होता है, नहीं होता वाली बात कहना गलत होगा, वजह क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोकसभा चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 11 सीट है, आपके विधानसभा में महज 90 सीट है, पर यहाँ लगभग 4,500-5,000 पद होती है, और इन पदों पे बूथ लेवल पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता है वो हर कार्यकर्ता अपना हक और अधिकार समझता है, और उसके कारण ये जो विद्रोह की स्थिति होती है ये होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है और हर बार इनसे रूबरू होना पड़ता है। पर इस बार हमारे यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल ऐसी व्यवस्था रखी कि आपके कार्यकर्ताओं के बीच से ही जो नाम का पैनल आएगा उस पर ही प्रदेश समिति में मंथन होगा, और वही प्रक्रिया हुई, इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विवाद या विस्फोटक स्थिति आने की नौबत नहीं है। नहीं किरण जी, जैसे आज की भी तस्वीरें हैं कि कांग्रेस का दफ्तर जो है घेर लिया, महिला जो नेता को टिकट देने की बात थी उन्होंने खुदकुशी करने की बात करी, उन्होंने कहा टिकट नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो इस प्रकार से हाँ। जब सब कुछ मैनेज है अच्छी तरह से है, सीएम भूपेश बघेल जी सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहा है, किसी को निराश होने का मौका नहीं दे रहे, तो उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इसकी क्या वजह है?
किरणमयी जी, ये व्यक्ति विशेष की जो अति महत्वाकांक्षा होती है उसके कारण ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि आप देख लीजिए तो ये एक मात्र अपवाद है, इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी कार्यकर्ता का कोई ऐसा आक्रोश नहीं हुआ या कोई सामूहिक इस्तीफा वाली बात नहीं हुई जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ कि सभी महिला कार्यकर्ता और अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया, वार्डो में लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी नौबत कांग्रेस में नहीं आ पाई है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति और आगे आएगी। चलिए केदार जी, आपसे जानना चाहेंगे, त्रिणमयी जी ने कहा कि हमारे यहाँ स्थिति बेहतर है, आपके यहाँ ज्यादा खराब है स्थिति, आप क्या कुछ टिकट के लिए ज्यादा ही मारामारी है, और तो इस तरह की जो स्थितियां हैं उससे किस तरह से निपटेंगे? आपकी ओर से भी जो है पूरी तरह से टिकट वितरण की जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाई, कब तक होगी, किस तरह से? और जो विधानसभा चुनाव में आपका जो परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस के मुकाबले, क्या लगता है आपको कि अब की बार ऐसा आप क्या करेंगे कि विधानसभा का जो परिणाम है वो फिर ना दोहरे, जो अंतर है जीत या हार का उसको किस तरह से आप देखते हैं, और किस तरह से जो आपकी इस वक्त की बीजेपी की रणनीति है क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके बाद लोकसभा के परिणाम सबके सामने हैं, बहुत स्पष्ट है। बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। उसके बाद हम अगर आगे की बात करें तो आप देखें, शुरू देखिए कांग्रेस पार्टी बैकफुट। केदार जी, वो लोकसभा चुनाव की अलग बात थी, लोकसभा चुनाव थे, उसके बाद दो उपचुनाव भी हुए, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, और दोनों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लेकिन ये शहर का चुनाव है, ये अलग चुनाव है, आप इसको कंपेयर ना करें। अभी की जो स्थिति है, किस तरह से जो मैं कह रहा हूँ मुझे मेरी बात पूरी होने का अवसर आप दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी, आप बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि कांग्रेस चुनाव होने के पहले से बैकफुट में आई। पहली बार जब सीटों का आरक्षण हुआ उसके बाद कांग्रेस ने यह कह दिया कि अब डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन नहीं होगा, अब पार्षद चुनेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ऐसी नौबत क्यों आ गई? जो परंपरा से दो बार कांग्रेस का ही महापौर बना, उस परंपरा को, उस नियम को आपने पीछे धकेल दिया। फिर आप आ गए बैलेट पेपर पे, जो आज से 20-25 साल पहले होता था, ईवीएम मशीन से आपकी सरकार बनी, उसके बाद दो बार महापौर बने, आपने ईवीएम को इस बार नकार दिया, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई? लोग आधुनिक होते जा रहे हैं और ये बैकवर्ड होते जा रहे हैं, खाली इसलिए कि इनके पास महापौर के योग्य प्रत्याशी नहीं था। अभी तो आप टिकट की बात तो बाद में आएगी, ये पहले से काफी बैकफुट में है। दूसरी बात, आज इनका कल नामांकन की जो है आखिरी दिन है और टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है वो अब तक पूरी नहीं हो सकी, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पेच फंसा हुआ है, कुछ लोग हैं जो प्रेशर दबाव बना रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में पूरी हो गई, नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में। जी जी, कहे अपनी बात करें। भारतीय जनता पार्टी के सारे टिकट का वितरण हो गया। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सत्ता में रहते हुए ऐसा इनका कौन सा सर्वे है कि ये घर में अभी तक दबा कर रखे हैं टिकट? कार्यकर्ताओं के मन में बेचैनी है और असंतोष को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने टिकट को घोषित नहीं कर पा रही है। एंड टाइम में करेंगे और फॉर्म भरवा देंगे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल काफी टूटा हुआ है और ये कहीं ना कहीं टिकट की घोषणा से ही समझ में आ रहा है। अगर सर्वे हो गया तो घोषणा कर दो, अगर नीचे से आपने नाम मंगाया, बड़े उस्ताद बन के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अरे तो घोषणा कर दो, किस लिए रोक के रखा है आपने? और जहां तक बात है, इनके महिला कार्यकर्ता कह रही है आत्महत्या कर लेंगे, कैसा अनुशासन है इस पार्टी का? मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर ली है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है, ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं प्रत्याशियों की। सही बात, भारतीय जनता पार्टी किन चीजों को लेकर चुनाव लड़ेगी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आज से जब 2003 में, किरणमयी जी, आप शायद आपके सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक है, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, बया बड़ौदा बाजार से खिलावन दास जी है। खिलावन जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। और सवाल आपका किससे है खिलावन जी? आपको आवाज आ रही है? लग रहा संपर्क उनसे टूट गया। किरणमयी जी, आप अपनी बात कहिए। देखिए,
देखिए आपने पूछा कुछ और इन्होंने जवाब पूरा कुछ करके आपका टाइम खराब किया है। आपने जो इनसे पूछा कि आपके कार्यकर्ताओं का विद्रोह क्यों हो रहा है उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस तो क्या है, एक डेढ़ महीने से इनके ऊपर बैन लगा हुआ था ना, तो पूरी भड़ास निकाली इन्होंने, परंतु अभी तक इनके पूरे रायपुर जिला के महिला अध्यक्ष ने और उनके सारे कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। सदर बाजार में 100 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अरे उसके ऊपर भी एक शब्द बोल देते कि कार्यकर्ताओं का तात्कालिक गुस्सा हम लोग मान लेते, परंतु आपने अपनी प्रक्रिया में जो असंतोष हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठक छोड़ करके जा रहे हैं, जो आज सुबह के समाचार पत्रों में छपा है कि सच्चिदानंद उपासने और ब्रजमोहन का झगड़ा हो गया, श्रीचंद सुंदरानी बैठक छोड़कर चले गए, नंद कुमार जो थे वो भी उन्होंने कह दिया कि उनके हिसाब से टिकट नहीं मिले, मतलब एक मंत्री पूर्व मंत्री की मनमानी चलती रही, सांसद की मनमानी चलती रही और सभी महिला कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके कार्यकर्ता की पत्नियों को टिकट दी गई है। इसी चीज का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी में है और आप चाहे कितना भी रिकॉर्ड बजा लें, छत्तीसगढ़ में 90 में से 69 विधायक आज की तारीख में कांग्रेस के हैं, दो उपचुनाव हमने जीत लिए हैं। आप कह रहे थे कि हाँ साहब लोकसभा में हालत खराब हो गई, मैं आपको बता देना चाहती हूँ पिछली बार 10 सांसद बीजेपी के थे और कांग्रेस का महज एक सांसद था, इस बार हमारे 2 सांसद हुए, आप 9 पर आ गए हैं, तो माइनस किसका हुआ, आपका ही हुआ है, कांग्रेस का माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, हमने उम्मीद रखी थी कि हम ईवीएम क्यों छोड़ दिए वो भी बता दो, अब रहा सवाल बैलेट क्यों छोड़ दिए वो भी बता दो, टाइम भी पूरा हो जाएगा उनका। देखिए 2009 में मैं खुद मेयर का विधानसभा का बार बार क्यों ईवीएम से कराते हैं, ये जरूरी है क्या कि बैलेट से कराओगे नगर निगम का चुनाव, क्यों नहीं करा रहे ईवीएम का, आप क्या महापौर का प्रत्याशी नहीं है क्या, क्यों पार्षदों से चुनवा रहे हो, क्या आपके पास कोई नेता नहीं है, नेता विहीन हो गई है कांग्रेस पार्टी, आप लोग नेता विहीन है क्या, जो मोदी को सांसदों से बना दिया, आप प्रधानमंत्री डिक्लेयर करके चुनाव लड़वा लेते, आप कैसे बनी थी महापौर बताओ, बिल्कुल आप कैसे बनी थी, जो प्रक्रिया रहती है उसके तहत आज प्रक्रिया क्यों बदल दी, आप क्यों आप वकील भी है, आप बताइए क्या ऐसा क्या ऐसा होना चाहिए, पेट में दर्द नहीं हो रहा है जी, पूरे प्रदेश में पेट में दर्द है, मेरे दर्द नहीं हो रहा है, आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं, आज आप अभी तक आप घोषणा नहीं कर पाए हो, अभी तक आपका एक पार्षद की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा हो गई, चिंता मत करिए, कांग्रेस के ही सारे महापौर जीत के आएंगे और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी नगर निगम। चलिए ठीक है, चिराजी आपने अपनी बात, ऐसे ही सड़कों के झगड़े जुड़ते रहेंगे, मोदी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि मौजूदा समय में कौन सा दल जो है वो बेहतर स्थिति में और कौन कमजोर है, बोलिए क्या बोले, सवाल आपका रिपीट करें, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस का अपना दावा है कि वो बेहतर स्थिति में है, वो जीत का दावा कर रहे हैं, बीजेपी से जो केदारनाथ जी है वो कह रहे हैं वो बेहतर स्थिति में है, असंतोष कांग्रेस में ज्यादा है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी में असंतोष ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप वहां की जो समीकरण है उसको देख रहे हैं, परख रहे हैं, आप जानते हैं हर पहलू को, आप देख रहे हैं बारीकी से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि असंतोष कहां ज्यादा है, कौन सा दल इस नगरीय चुनाव में ज्यादा बेहतर है पोजीशन में, जो देखिए जिस जहां सत्तारूढ़ दल होता है वहां का पंडा हमेशा ही भारी रहता है और सत्तारूढ़ दल होने के कारण हर कार्यकर्ता को लगता है कि हमें यह अवसर मिला है इसलिए रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नीचे स्तर पर हैं और बूथ लेवल पे हैं, तो उनको लगता है कि हमको एक अवसर मिलेगा कि हमको आगे बढ़ने के लिए, कि कोई भी नेता होता है नीचे से लेके आता है, तो दोनों दलों में इस तरह का माहौल है और दोनों दलों में जो नीचे के कार्यकर्ता हैं जो आगे चल के बड़े नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो दोनों में संघर्ष की स्थिति है और दोनों चाहते हैं, पर कांग्रेस में इस बार अवसर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है लोगों को। जी किरार जी, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे थे। नहीं, बहुत स्पष्ट है जी, बारंबार हमारी पूर्व महापौर कह रही है कि मैं बैलेट से जीती थी, तो उसके बाद फिर ईवीएम क्यों ले आए,
और ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट जीती थी, तो मैं कह रहा हूँ आप इनडायरेक्ट इलेक्शन पार्षदों के द्वारा क्यों कराए जा रहे हैं? क्या आप आपके जैसे नेता नहीं रहे? क्या आपको टिकट देना नहीं चाहती पार्टी? क्या प्रमोद जी का कार्यकाल बहुत खराब हुआ कि उनको रिपीट करना नहीं चाहती? और इससे पूरे प्रदेश में नेता विहीन हो गई है कांग्रेस, और कोई इनका महापौर का प्रत्याशी नहीं है, खाली पार्षद चुनेंगे। अच्छा ठीक है, एक मेरा ये सवाल ये है कि जो निकाय चुनाव के जो नतीजे अगर आएंगे तो उसके बाद जो बीजेपी की अंदरूनी जो राजनीति है वो किस हद तक प्रभावित हो सकती है? देखिए, जीत और हार होती रहती है, परंतु मैं आपको दावे से कहता हूं कि यहां प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। शराबबंदी जो इन्होंने की थी, कही थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। 2500 रुपए धान, गाय की पूंछ और गंगा जल लेके कहा था, उसको 1800 रुपए कर दिया। जो रोड में आप पैचेस लग रहे हैं डामर के, जो सदियों पहले लगते थे, मेरे ख्याल से 2 दशक पहले मुझे याद आता है कि वो ठेकड़ लगते थे, अभी वो ठेकड़ लग रहे हैं। और भाजपा के शासनकाल में रोड चमाचम बनती थी, आज देखो वो ठेकड़ पे आगे जा रहे निगम। तो मैं समझता हूँ कि पूरी जनता, अगर सब कुछ ऐसा था तो फिर विधानसभा चुनाव ठीक है, आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, आपको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर उपचुनाव भी आप क्यों हार गए अगर जनता खुश नहीं थी? भाई उपचुनाव तुरंत हुए, अभी आप करा लो ना कोई सा चुनाव, जब 2500 रुपए का धान 1800 में है। इनका जो मैनिफेस्टो था विधानसभा का, वो चिटफंड कंपनी जैसा था, 2500 में धान खरीदेंगे, आज आपका इनको बेरोजगारों को 2500 रुपया भत्ता देंगे और प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करेंगे और शराबबंदी करेंगे। ये चिटफंड कंपनी तो था, आज कुछ नहीं है, टाए टाए फीस है, कैसे बात करते हैं आप? बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो बनाया था वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, सिगुफा था, चिट फंड कंपनी जैसा था कि दुगुना कर देंगे आपका पैसा, और इसमें पूरी तरह से विफल है कांग्रेस पार्टी। और मैं बारंबार कहूंगा कि विकास का पैमाना शून्य है। जवाब ले लेते हैं किरण भाई जी। देखिए ऐसा है कि मोदी जी के जो भ्रष्ट नीतियों के कारण जिस तरीके से पूरे देश को आर्थिक मंदी में ढकेल दिया है, उसी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को पूरा पीछे ढकेल दिया। उसके बाद जब किसानों को 2500 रुपए दिया जा रहा है तो मोदी जी के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हुआ। उन्होंने कह दिया साहब आपका हम चावल नहीं खरीदेंगे सेंट्रल पूल में, शर्त लगा दी कि आप 1800 रुपए खरीदो, परंतु भूपेश बघेल जी तो कह रहे हैं साहब हम 2500 रुपए दे रहे किसानों को, तब इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? सवाल ये है कि हर मोर्चे पर बीजेपी फ्लॉप हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। बेरोजगारों को भत्ता, हमने 5 साल का वादा है, आपके जैसे दोगले नहीं है जो रमन सिंह ने 2100 रुपए कहा था, 300 बोनस कभी नहीं दिया, 5 साल की सरकार चलाने के बाद 2100 रुपए नहीं दिया, 300 रुपया बोनस नहीं दिया, तो ऐसे दोगले नहीं है रमन सिंह की तरह। क्या है वो सब कुछ सही सही बताएंगे। एक संक्षिप्त जी, मुझे लगता है जिस तरह की खींचतान छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के मची हुई है और दोनों ही दलों में असंतोष के स्वर टिकट को लेकर के मचे फैल रहे हैं, और कल नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए आज रात को यदि सब कुछ ठीक ठाक हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ देखिए बागी उम्मीदवारों की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको मैनेज करना दोनों ही पार्टियों को बड़ा मुश्किल होगा। आने वाले दिनों में 21 तारीख तक जब मतदान होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है, लेकिन हालात जो है वहाँ अभी भी राजनीतिक रूप से मुझे बहुत खींचतान के नजर आते हैं। शोभित जी चलिए आज के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आपका अग्नोत्री बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी आप हमारे साथ जुड़िए, आपका धन्यवाद। केदारनाथ जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद। और भोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह 15 साल बाद राज्य में भारी भरकम बहुमत के साथ उनको प्रदेश की सत्ता मिली, ठीक उसी तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी ज्यादातर निकाय उसके पक्ष में आए, जबकि बीजेपी विधानसभा चुनावों में अपनी बुरी तरह से पराजय को भूलकर निकाय चुनाव में नए उत्साह से चुनाव लड़ना चाहती है और सरकार की विफलताओं के मुद्दे को जनता के सामने लाकर जनमत को अपने पक्ष में करना चाहती है। अब कामयाबी किसे मिलती है, निश्चित तौर पर ये 24 दिसंबर को आने वाले नतीजों के साथ पता चलेगा। खैर ये बात रही छत्तीसगढ़ की, चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां कमलनाथ सरकार मिलावटखोरी के बाद माफिया पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में अब चर्चा माफिया पर मार के मुद्दे को लेकर ही